हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारे सोसाइटी के पंडाल में स्थापित गणपति बप्पा को पूरे 56 भोग लगने वाले हैं, 56 प्लस ही रहेगा। हर कोई अपने अपने घर से अपने अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार बप्पा को भोग लगाएगा। मैं भी बप्पा के लिए फरसान लेकर आई हूँ। मैं बप्पा को फरसान का भोग लगाऊँगी और उसके बाद बप्पा को ये आरती की जाएगी। तो आपको भी मैं लेकर चलती हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखाऊँगी कि किस तरह से यहाँ पर लोग गुजरात में, वडोदरा में किस तरह से लोग बप्पा को भोग लगाते हैं और फिर किस तरह से आरती होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चला जाए, सब कोई बाहर इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार नहीं कराते हैं, चलिए चला जाए। तो यहाँ पे आरती शुरू हो गई है और सारे लोग, सोसाइटी के लोग इकट्ठा भी हो गए हैं। देख सकते हैं बप्पा को 56 क्या 56 प्लस भोग लगे हुए हैं। तरह तरह का फरसान बप्पा को भोग में लगाया गया है। हर कोई अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से बप्पा को भोग लगाया है। कहीं पापड़ी चढ़ी है तो कहीं फराली चढ़ी है तो कहीं गाठिया चढ़ा है, काजू की बर्फी है तो बूंदी है। तो ये सब बप्पा को भोग लगाया गया है क्योंकि अब कल तो बप्पा का विसर्जन भी करना है, तो आज बप्पा को ये सब भोग में लगा। दोस्तों, ये प्रसाद हमें मिला है जो कि बप्पा को भोग में लगा था, जिसमें कि मसाला गाठिया है, प्लेन गाठिया है, तरह तरह के फरसान को भोग में लगाया गया था, काजू की बर्फी है, लड्डू है और तरह तरह की टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब उनको भोग में लगाया गया था जो कि प्रसाद के रूप में हम सभी को मिला है। और हम लोग प्रसाद लेकर के घर आ चुके हैं। दोस्तों, प्रसाद तो हम सभी ने ग्रहण कर लिया है और आज गणपति उत्सव का आखिरी दिन है, कल विसर्जन होने वाला है। तो चलिए आज आप सभी लोगों को सुभानपुरा एरिया में, जहाँ जहाँ पे भी पूजा पंडाल में गणपति जी अभी भी स्थापित हैं, विसर्जन नहीं हुआ है, वहाँ पे ले चलती हूँ और आपको गणपति बप्पा के दर्शन कराती हूँ। और रात के बज रहे हैं 9:30, तो देर नहीं करते, लोग एंट्री कर रहे हैं सुभानपुरा गार्डन के पास पंडाल में स्थापित गणपति बप्पा के दर्शन करने। चलिए आप भी चलिए। दोस्तों, ये देखिए, ये सुभानपुरा गार्डन के पास के पंडाल में लगा हुआ गणपति बप्पा की मूर्ति कि काफ़ी विशाल है, मुझे लगता है कि 15 फीट की होगी। पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर बैकग्राउंड बनाया गया है, काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है। साइड में भी आपको इस तरह की पेंटिंग्स लगाई गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुभानपुरा गार्डन के पास स्थापित गणपति बप्पा के दर्शन कर लिए हैं। चलिए अभी आपको दूसरे जगह भी लेकर चलते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूं सुभानपुरा के राजा का दर्शन करने और आपको भी चलिए दर्शन कराती हूं। चलिए चलते हैं, काफ़ी भीड़ है यहां पे, चूँकि आज आखिरी दिन है इसलिए भीड़ बहुत है और बैकग्राउंड में आपको बहुत आवाज़ भी आ रही होगी और थोड़े यहाँ लाइट भी कम है। तो चलिए आपको दर्शन कराती हूँ और खुद भी दर्शन कर लेती हूँ। ये है सुभानपुरा के राजा जी, काफ़ी विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, लगता है मुझे 15 से 20 फीट की ये मूर्ति होगी। अच्छा, इसके पीछे जो आप चक्र देख रहे हैं, सिल्वर कलर का जो चक्र बनाया गया है, वो तलवार से बनाई गई है। छोटे छोटे ढेर सारे तलवार लेकर के पीछे चक्र
का रूप दिया गया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और हर वर्ष कुछ न कुछ हर पूजा पंडाल में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको जो पोस्ट ऑफिस सुभानपुरा का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पंडाल लगता है। तो जब भी आपको यहाँ के सुभानपुरा के राजा जी का दर्शन करना हो तो आप यहाँ आइए और इनके दर्शन कीजिए और बहुत ही सुंदर है। तो गणपति बप्पा मौर्य। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं यंगस्टर ग्रुप युवक मंडल के पंडाल में और चलिए आपको यहाँ का भी दर्शन कर आती हूँ। चलिए चला जाए। हालांकि इस वाले पंडाल का मैंने पहले भी एक छोटा सा क्लिप डाला था पर लोकेशन वाइज मैंने नहीं डाला था और सुभानपुरा का चूँकि आज वीडियो बना रही हूँ तो ये सुभानपुरा एरिया में आता है इसलिए इसे वापस से अपने इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। आप फिर से इनके दर्शन कर लीजिए और काफ़ी मतलब काफ़ी हटके यहाँ पे मूर्ति रखी गई है और पहाड़ चट्टान इसमें बनाया गया है और नेचुरल पेड़ लगाए गए हैं और इस तरह से यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी रूप दिया गया है और कुछ इस तरह का 3D में पंडाल बना है और बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। और इसमें जितने भी पेड़ पौधे आप देख पा रहे हैं ये सब रियल हैं और यहाँ पे आपको छोटा सा फाउंटेन भी देखने को मिलेगा तो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ का पंडाल में हर साल गणपति जी की कुछ अलग तरह की मूर्ति रखी जाती है तो आप भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि कल तो विसर्जन होने वाला है। पहुँच चुके हैं पंचरत्न पंडाल में और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है और हम लोग भी लाइन में लग गए हैं। बलून चाहिए। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं और आपको भी लेके चल रही हूँ पापा के दर्शन कराने। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पंचरत्न पंडाल में स्थापित गणपति जी की मूर्ति है और ये पंडाल एलोरा मिल्क सेंटर के पास है तो आप यदि यहाँ पे ये तो आज आखिरी ही दिन है तो यदि अगले साल यदि आपको आना हो तो एलोरा मिल्क सेंटर के पास ये पंडाल लगता है और हर साल कुछ अलग मूर्ति यहाँ पे स्थापित होती है। यहाँ पे सुदर्शन चक्र पे गणपति जी तीर धनुष लेकर के विराजमान हैं और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। अभी हम पहुँच चुके हैं सुभानपुरा ग्राम और यहाँ पे आपको गणपति जी के दर्शन कराती हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये यहाँ से हम लोग अंदर चल रहे हैं। कुछ ये गुफा की तरह बना हुआ है एंट्रेंस और एकदम अंधेरा है। दोस्तों ये यहाँ पे एंट्रेंस में पूरा गुफा बना हुआ था और काफ़ी अंधेरा था। थोड़ा मोड़ा मैंने रिकॉर्ड भी किया है और यहाँ पे कुछ इस तरह से गणपति जी विराजमान हैं और आपको इस तरह से पूरे शाखाएं दिख रही होंगी। कुछ इस तरह से इसका डेकोरेशन किया गया है। काफ़ी सुंदर है। गुफा की तरह इसका पंडाल बनाया गया है और एंट्रेंस जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एंट्रेंस भी पूरा गुफा की तरह ही था और उसमें गणपति जी विराजमान हैं। ये सुभानपुरा ग्राम के राजा हैं। मैंने सुभानपुरा ग्राम के भी राजा के दर्शन कराए हैं और यहाँ का जो अंदर से पंडाल है वो काफ़ी मतलब गुफा के जैसे था और अंदर जाने में मतलब एडवेंचर जैसा फील आ रहा था। काफ़ी अच्छा लगा। और हम पहुँच चुके हैं गोरवा दशा माँ मंदिर के पास स्थापित गणपति जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है किंग ऑफ गोरवा। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं बप्पा के। आइए। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो थीम है वो पूरा रेगिस्तान का थीम है राजस्थान का और ऊँट पे गणपति बप्पा सवार है। पीछे मूषक जी भी बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति कुछ अलग हटके यहाँ पे स्थापित की गई है।
यहाँ नीचे रेती डाल करके पूरा राजस्थान का लुक क्रिएट किया गया है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ गोरवा के राजा के दर्शन करने। चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ। और यहाँ बाहर छोटे बच्चों के लिए ढेर सारे झूले और पूरा मेला लगा हुआ है। चलिए आपको भी मैं दिखाती हूँ किस तरह का यहाँ मेला लगा हुआ है। ये देखिए पूरा यहाँ गुब्बारे बिक रहे हैं, इधर बच्चों के खिलौने बिक रहे हैं और इधर तरह तरह के झूले। देखिए यहाँ नाव वाला झूला लगा है, कोलंबस लगा हुआ है, जंप करने वाला लगा हुआ है, तरह तरह के झूले बच्चों के लिए लगाए हुए हैं ताकि बच्चे झूलों का भी आनंद ले सके और पापा के दर्शन भी कर सके। और रोज़ काफ़ी भीड़ रहती है लेकिन आज आखिरी दिन है और रात को काफ़ी 10:30 हो गया है तो अभी भीड़ उतनी नहीं है। तो चलिए फटाफट से दर्शन किया जाए और आपको भी दर्शन कराते हैं। मुंबई जाने जरूर लागे गणपति बाप्पा। और अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, तब तक मैं आपको झूले का आनंद करा देती हूँ। और ये है गोवा के राजा, काफी विशाल मूर्ति यहाँ पे रखी जाती है हर साल। काले सांजे 6 आगे विसर्जन टाइम माँ आरती राखेल जी सभी भक्तों ज्वाइन थो विनंती जा रही है कि कल विसर्जन शाम को 6 बजे भाई मुंबई जाओ जो लागे थे कि नहीं, तो जो लोग उसमें विसर्जन में सम्मिलित होना चाहते हैं कल शाम को 6 बजे गणपति बाप्पा दर्शन थी जाए, फोटोग्राफी थी जाए, धीरे धीरे आगे बच्चो जितना फोटो पाड़ो एटला पाड़ो। 20 से 25 फीट की मूर्ति होगी, काफी सुंदर है, इन्हें गोवा के राजा बोला जाता है। मम्मी चला हर साल कुछ इतनी ही बड़ी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की जाती है। हालांकि हर साल अलग 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 तरह की निकली जगह यहाँ पे स्थापित की जाती है, बहुत ही सुंदर है। आज मैंने आपको सुभानपुरा में स्थापित सभी पूजा पंडालों में गणपति बप्पा के दर्शन कराए हैं और गोवा के राजा के भी दर्शन कराए हैं और रात के 11:30 हो गए हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, सुबह सामी को स्कूल भी जाना है। तो आज का जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुक्रिया।